भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी थी। मेरा पति एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली और मुझे तलाक भेज दिया। लेकिन उसने ये कहा कि वो मेरी बेटियों के लिए हमेशा खर्चा भेजा करेगा। मेरे घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। मैंने भी उन पैसों से यहाँ पर कुछ शेयर खरीद लिए थे, जिसकी वजह से मैंने अपनी बेटियों की अच्छी पढ़ाई करवाई। उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। हर तरह से मैंने उनके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ का ही इंतजाम किया। मेरी बेटियां बहुत ज़्यादा मासूम थी। सारी ज़िंदगी इनके सिर पर बाप का साया नहीं था, इसीलिए मैं परेशान थी। इनके अंदर बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि यूं कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वे बिल्कुल भी समझदार नहीं थी, बल्कि बेवकूफ़ थी। मैं उनको समझदार बनाने की कोशिश करती थी। उन्होंने ज़माना नहीं देखा था। मैंने अभी तक उनको बहुत संभाल के रखा था, क्योंकि यही मेरी दुनिया थी। जब उनकी शादी करने का वक्त आया, तो मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा कि आजकल के लोग बहुत ढोंगी हो गए हैं। जब तक आप उनके साथ समय नहीं बिताते, उनकी असलियत का पता नहीं चलता। मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसकी शादी तय हुई थी, तो उसकी सास उसके चारों ओर घूमती थी, हर वक्त उसके आसपास रहती थी। इतनी मोहब्बत दिखाती थी कि मैं खुद हैरान हो जाती थी। मेरी बेटी मुझसे कहती थी कि माँ, जितना प्यार मुझे मेरी सास कर रही हैं, उतना प्यार तो आपने भी मुझसे कभी नहीं किया। मैं उसे कहती थी कि बस तुम शादी के बाद खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम यकीन नहीं करोगी नीलू, शादी के तीसरे ही दिन उसकी सास ने मेरी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगी कि तुझे चाय बनानी नहीं आती। इसके बाद उसकी सास ने कभी उसे अच्छा नहीं कहा, कभी उसे बातें सुनाती, कभी उसे ताने मारती, कहती कुछ भी सामान नहीं लाई हो। मेरी बेटी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है। जब मैंने अपनी दोस्त की यह बात सुनी, तो मुझे भी अपनी तीनों बेटियों का चेहरा नजर आने लगा। मैंने सोचा, मेरे साथ भी तो यही हुआ था। मेरे ससुराल वाले कौन से अच्छे थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने अपनी दोस्त से कहा, इस तरह की बातें मत किया करो, मुझे डर लगता है। मेरी किस्मत देखो, घर बैठे बैठे ही मेरा तलाक हो गया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी गलती क्या थी कि मैं अपने पति की इज्जत करती थी और बच्चों की देखभाल कर रही थी, और वो वहाँ किसी औरत से शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया। और मुझे छोड़ा भी तब, जब मेरी बड़ी बेटी 15 साल की थी। उसके बाद तो मैं किसी और से शादी भी नहीं कर सकती थी। अगर उसने मेरे साथ ये सब कुछ करना ही था, तो पहले बता देता, कम से कम मुझे किसी और आदमी का सहारा तो मिल जाता। मैंने अकेले इन बच्चों को किस तरह पाला है, ये मैं ही जानती हूँ। ये सच है कि वो अब भी उनके लिए पैसे भेजता रहता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरी बेटियों को पिता की ज़रूरत थी, ना तो उनका बाप है और ना ही उनका भाई है, इसीलिए वो इतनी मासूम हैं, हर किसी से डर जाती हैं। एक दिन मेरी बेटी कॉलेज से घर आ रही थी, तो कहने लगी, माँ, सड़क पर एक लड़का खड़ा रहता है, हम कॉलेज नहीं जाना चाहते। मैंने पूछा, क्यों, वह लड़का तुम्हें कुछ कहता है क्या? उन्होंने कहा, नहीं, वो कुछ नहीं कहता, बस वहाँ खड़ा रहता है, हमें डर लगता है। मैं बहुत परेशान हुई। मैंने कहा, ठीक है, मैं एक दिन तुम्हारे साथ चलूँगी। जब मैंने देखा तो वो लड़का वहीं खड़ा था, लेकिन वो लड़का नहीं था, वह तो बहुत ही कम उम्र का बच्चा था। मैंने उससे पूछा, बेटा, तुम रोज़ यहाँ क्यों खड़े होते हो? उसने कहा, मैं अपने पिताजी का इंतज़ार कर रहा होता हूँ, वो सामने फैक्ट्री में काम करते हैं और उन्हें छुट्टी से देर हो जाती है। वो बेचारा अपने काम से खड़ा था, लेकिन मेरी बेटियाँ उसके खड़े होने से भी डर गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब औरतों के साथ मर्दों का सहारा नहीं होता है, तो वो ऐसे ही डरपोक बन जाती हैं। फिर मेरी सहेली ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटियों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करूंगी। वो मेरी दोस्त भी थी और ये काम भी करती थी। मैंने उससे कहा, तुम एक काम करो, कोई ऐसा रिश्ता तलाश करो कि मेरी बेटियों की शादी एक ही घर में हो जाए। कोई ऐसा घर तलाश करो जिसमें 3 लड़के हों, अगर 3 नहीं तो कम से कम 2 भाई तो हो ही। मेरी 2 बेटियां तो एक ही घर में चली जाएंगी। बड़ी बेटी को मैं किसी और घर में भेज सकती हूँ, वह समझदार है, लेकिन ये जो छोटी है वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है। उसने कहा, देखो, आजकल जल्दी जल्दी रिश्ते नहीं मिलते हैं, फिर तुम्हें ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें 3 लड़के हों और वो भी तुम्हारी बेटियों की उम्र के, और घर भी अच्छा हो। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम दुआ करो, मैं कोशिश करूँगी।
अगर तुम्हारी बेटियों के नसीब में हुआ तो ऐसा हो जाएगा। मैंने और भी 2-3 लोगों को कह दिया था। मेरी बेटियों की अपनी कोई पसंद नहीं थी, मैंने उनसे पूछा भी था। उन्होंने कहा कि जहां आप हमारी शादी कर देंगी हम वहीं पर चले जाएंगे। सच कहते हैं कि मोहब्बत करने के लिए बहादुरी की ज़रूरत होती है, और इनके अंदर बहादुरी तो नाम की भी नहीं थी, तो फिर ये मोहब्बत कैसे कर सकती थी। अगर किसी से मोहब्बत करती तो मैं कभी भी उनका रास्ता नहीं रोकती, मैं तो उनका साथ देती। लेकिन ये मासूम थी। सच में ये कहना सही था कि मेरी बेटियां वास्तव में ना केवल मासूम थी बल्कि थोड़ी सी बेवकूफ़ भी थी। वैसे तो सबको अपनी औलाद मासूम लगती हैं, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम थी। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। 1 साल का वक्त गुजर गया। अब तक तो सबकी शादी हो जाती। अगर मैंने अपनी बात पर समझौता कर लिया होता तो मुझे कोई ना कोई रिश्ता मिल जाता। एक दिन मेरी वही सहेली वापस आई और उसने कहा कि तुम्हारी बेटियों का नसीब अच्छा है, मुझे वास्तव में एक ऐसा रिश्ता मिल गया है जिस घर में 3 बेटे हैं और घर भी बहुत अच्छा है। मैंने उससे कहा, पहले बैठ जाओ, सांस ले लो, पानी पी लो, फिर मुझे आराम से बताओ। उसने मुझे सारी बात बता दी। उसने कहा कि अमीर लोग हैं, अपना घर है, गाड़ियां हैं, कारोबार है, और उम्र भी तुम्हारी बेटियों के हिसाब से है, और वो भी अपने 3 बेटों की शादी एक साथ ही करना चाहते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में अभी सही तरह से तो नहीं बताया, लेकिन उन्हें इशारा किया कि एक रिश्ता है, तो वो भी खुश हो रही थी क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह ऐसा ही रिश्ता तलाश रही थी। उनका कहना था कि मुझे अपने घर में ज़्यादा लोगों का आना जाना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक ही घर से बहुएं ले आऊँ, उसका पति इस दुनिया में नहीं है। मैंने कहा, लेकिन उन्हें किसी का अपने घर में ज़्यादा आना जाना क्यों पसंद नहीं है, भला उन्हें इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। वो अगर अमीर लोग हैं तो क्या वो कंजूसी कर रहे हैं। मुझे मेरी दोस्त ने बताया, नहीं ऐसी बात नहीं है। दरअसल एक बात आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम्हारी बेटियाँ मेरी बेटियों जैसी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वह औरत बड़ी ही वहमी टाइप की है। मैंने कहा, क्या मतलब। उसने कहा, मैं क्या समझाऊँ कि जैसे उसकी दीवार पर छिपकली आकर बैठ गई है तो कहेगी दीवार धो दो। मैंने कहा, अच्छा साफ सफाई पसंद है। मैंने कहा, हाँ कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा साफ सफाई पसंद करते हैं। उसने कहा, सिर्फ यही बात नहीं है, वो औरत खतरनाक सी है, अगर सास बन गई तो अच्छी सास नहीं बनेगी, बहुत पाबंदियां वगैरह लगाएगी, और उसके बेटे भी उसी के इशारों पर नाचते हैं। मैंने कहा, ये तो आजकल हर घर में होता है, अगर कोई गलती ना करे तो जाहिर है वो भी उनके साथ बुरा सलूक नहीं करेंगी, और मेरी बेटियों का तुम्हें पता है ये कितनी मासूम हैं, ऐसी बहू तो हर सास का सपना होती हैं। मेरे दिमाग में वह बात आ गई थी कि दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा, बस मिल गया है तो जल्दी जल्दी बेटियों की शादी कर दो, बस तीनों एक साथ होंगी, कोई भी दुख होगा, कोई भी दर्द होगा तो एक दूसरे को संभाल लेंगी, एक दूसरे का सहारा बनेंगी और ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजर जाएगी। मेरी सहेली ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगता है, ये तुम्हारी बेटियां हैं और जैसा रिश्ता तुम्हें चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही है। लोग भी शरीफ हैं और अमीर भी हैं। लड़कों की तस्वीरें भी मैं अपने साथ लाई हूँ, बाकी तुम सोच कर मुझे बताना। मैंने लड़कों की तस्वीरें देखी तो लड़के भी बहुत खूबसूरत और मासूम ही लगे। मैंने उससे कहा कि तुम हमारी आपस में मुलाकात करवाने का इंतजाम करो, मैं भी उन्हें अपने घर बुलाना चाहती हूँ और उनका घर भी देखना चाहती हूँ। इस तरह उसने रिश्ता पक्का करवा दिया। लड़के की माँ बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, दहेज एक लानत है, हमारे घर में पहले ही किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल भी दहेज नहीं लूँगी। मुझे इस औरत की यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने ये भी कहा कि हम लोग सारे फंक्शन सादगी से करेंगे, क्योंकि बिना वजह पैसे लुटाने का लड़के और लड़की की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं होता है। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि ये तो बहुत अच्छी औरत है, लेकिन मेरी दोस्त ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कोई बात छुपा रही थी, लेकिन मुझे अब किसी और बात में नहीं पड़ना था। मुझे लड़के भी पसंद आए थे, उनके घर का माहौल भी और लड़कों की माँ भी, उन्होंने भी मेरी बेटियों को पसंद कर लिया और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने बेटों के लिए ऐसी ही लड़कियाँ तलाश कर रही थी। शादी हो गई। शादी हमने ज़्यादा धूमधाम से तो नहीं की, लेकिन जितना भी किया दिल से किया।
मेरी बेटियां बहुत प्यारी लग रही थी। शादी की रात ऐसी ही गुजर गई। अगले दिन हम लोगों को रिसेप्शन पर जाना था। मेरे साथ ज़्यादा रिश्तेदार नहीं थे, पर जब मेरी बेटियों की एंट्री हुई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। वे अपने पति के साथ चलकर आ रही थी, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी तीनों बेटियां ही लंगड़ा कर चल रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उनकी टांगों में कोई चोट आ गई है और उनसे चला ही नहीं जा रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि उनके चेहरों पर खुशी भी नहीं थी। सब लोग अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे थे कि क्या ये लड़कियां चल नहीं सकती। उनकी सास खुद ही सबको समझा रही थी कि लड़कियां बैठे बैठे थक गई हैं, इसलिए इस तरह से चल रही हैं, और कोई बात नहीं है। और खबरदार, जो मेरी बहुओं के बारे में किसी ने कोई बात की। लेकिन मैं भी माँ थी, मुझे पता चल गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जब से मेरी बेटियों की शादी हुई थी, उनकी चाल ही बदल गई थी। उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती थी। जब मैं पग फेरे के लिए उन्हें लेने गई, तब भी उनका यही हाल था। उनसे तो चला ही नहीं जा रहा था, लेकिन उनकी सास ने कहा कि हम लोगों के यहाँ पग फेरे की रस्म भी नहीं की जाती है, आप ले जाएं, लेकिन सुबह तक मैं अपने बेटों को भेज दूंगी, उन्हें वापस ले आएंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। मैंने अपनी बेटियों को वहीं पर बिठाया और सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने उनकी माँ से कहा कि आपके यहाँ रस्म नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है कि रात को लड़का आता है और वो लड़की के घर में ही रहता है और सुबह अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इस तरह की कोई रस्म है तो ठीक है, आप कर लें, लेकिन इसके बाद और कोई रस्म नहीं होगी। मैंने कहा कि ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैंने उस औरत को मनाया था। मेरे दामाद मेरे घर पर आ गए। हमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। जब तक वो बैठे खाना खा रहे थे, तब तक मैंने उनके कमरों में कैमरे लगवा दिए थे। मुझे यह करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे शक हो रहा था। मैं अपना शक दूर करना चाहती थी। मैंने एक बार अपनी बेटियों से भी पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। शायद उन्हें सिखाया गया था कि किसी को बताना ही नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मुझे पूरा यकीन था कि वो अपने ससुराल में अपनी और मेरी इज्जत रखने के लिए ऐसा ही करेंगी। और फिर मेरी बेटियों के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सारी रात मैंने जागते हुए बिताई और सुबह सुबह ही मेरे पास वीडियो आ चुकी थी। जब मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई और आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटियां अभी अपने अपने कमरों में ही थी। अभी बहुत ज़्यादा सुबह का समय था, लेकिन मैं अपने घर से निकली और उनकी सास के पास चली गई। वह भी मुझे सुबह देखकर हैरान रह गई। वह जाग रही थी। उन्होंने कहा, सब ठीक तो है, आप अचानक यहाँ पर? मैंने कहा, आपका दिमाग ठीक है या नहीं? आपने तो कहा था कि आप पढ़ी लिखी हैं, बड़ी न्यायप्रिय हैं, यही है आपका न्याय? आपने मेरी बेटियों से क्या कहा है? आप उनसे क्या करवा रही हैं? और आपके बेटे भी आपके साथ मिले हुए हैं, उनमें भी कोई अकल नाम की चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा, देखिए, ये हमारे परिवार का रिवाज है। लगता है आपको सब कुछ पता चल गया। वैसे आपकी बेटियों को मना किया था कि आपको कुछ ना बताएं, लेकिन उन्होंने ज़ुबान खोल ही दी होगी। मैंने कहा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, वो मेरी ही बेटियां हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ पता चल गया है। दरअसल इस वीडियो में मैंने देखा था कि मेरी बेटियां सारी रात एक टांग पर खड़ी रहती थी। आज उनकी शादी को एक हफ्ता हो गया था। एक हफ्ते से शायद उनके साथ यही हो रहा था, इसीलिए उनसे चला ही नहीं जा रहा था और वो लंगड़ा कर चल रही थी। उन्होंने बाकायदा अपनी एक टांग को बांधा भी हुआ था। उन्होंने कहा, ये हमारे यहाँ की रस्म है। इस रस्म को करने से सारी ज़िंदगी पत्नी पर पति की हुकूमत रहती है और वो उसकी ग़ुलाम बनकर रहती है। अगर कोई लड़की ये रस्म करने से इनकार करती है या नहीं करती, तो वह पूरे परिवार को बदनाम कर देती है। आपकी बेटियों के फ़ायदे के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि अगर वे अच्छे तरीके से इस घर में रहेंगी तो सारी ज़िंदगी इसी घर में सुकून से रहेंगी, यही उनका घर होगा। उन्हें किसी और से शादी नहीं करनी पड़ेगी, आपकी तरह उनका तलाक नहीं होगा। मैं इस औरत की बात सुनकर हैरान रह गई। अब मुझे समझ में आया कि मेरी दोस्त ने ये क्यों कहा था कि ये औरत बड़ी ही अजीब किस्म की है। उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उस समय तो मुझे और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था।
मैं इस बात पर खुश थी कि मेरी तीनों बेटियां एक ही घर में जा रही हैं। मैंने अपनी बेटियों के पतियों से कह दिया कि अगर तुम लोगों ने मेरी बेटियों से इस तरह की रस्म करवानी है तो मैं उन्हें वापस नहीं भेजूंगी। वो भी पढ़े लिखे थे और इस रस्म के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, हमने भी अपनी माँ को मना किया था लेकिन वह मान नहीं रही थी। आप चिंता मत करें, वैसे भी यह रस्म ख़त्म हो गई है। 7 दिन पूरे हो गए हैं, ये उसका आखिरी दिन था। हम आपकी बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और दोबारा आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसी रस्मों को नहीं मानते, लेकिन हमारी माँ के सामने हम भी मजबूर हैं। उन्होंने वादा किया कि वो मेरी बेटियों का ख्याल रखेंगे, इसलिए मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रख कर उन्हें भेज दिया, लेकिन मैं आज तक अपने फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।